वेलकम एवरीवन। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि श्री हरिशंकर परसाई का संक्षिप्त साहित्यिक परिचय दीजिए, तो आज हम उनका साहित्यिक परिचय आपको बता रहे हैं। इनका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे कि फर्स्ट जो है हमें लिखना पड़ेगा जीवन परिचय। प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह उसी गांव के एक स्कूल में हुई थी, पाठशाला में हुई थी। उन्होंने बाद में नागपुर विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आरंभ में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने अध्यापन का कार्य किया, किंतु सन 1947 में अध्यापन कार्य को त्याग कर लेखन कार्य को ही जीवन यापन का साधन बना लिया। उन्हीं दिनों श्री परसाई जी ने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया, किंतु घाटे के कारण उसे बंद करना पड़ा। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती रही हैं। इनकी सुप्रसिद्ध रचना विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें पुरस्कृत किया गया। आजीवन साहित्य रचना करते हुए श्री परसाई सन 1995 में इस नश्वर संसार को त्याग कर स्वर्गलोक में जा पहुँचे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करते हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके जो कहानी संग्रह हैं वह हैं हंसते हैं रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे। इनके उपन्यास का नाम है रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। इनके निबंध संग्रह की बात करें तो हैं तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, बेईमानी की परत आदि। इनके व्यंग्य संग्रह हैं वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठिरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं, ये व्यंग्य के लिए प्रसिद्ध हैं। सबसे पहली इनकी यह विशेषता है, उनकी रचनाओं में व्यंग्य जो है व्यंग्य के लिए नहीं होते, बल्कि समाज में फैली हुई बुराइयों पर करारी चोट करते हैं और वो अपनी व्यंग्य रचनाओं में केवल मनोरंजन ही नहीं करते बल्कि समाज के विविध पक्षों पर गंभीर चिंतन भी करते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की कमजोरी और विसंगति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।